जब महाभारत की बात आती है तो शुभ और अशुभ का ख्याल आता है। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ किसको चुनना चाहिए, चुनाव किसका करोगे? कोई मेरी जाति का, इसीलिए किसी ने अधुआ अधिया पौआ दे दिया, शराब की बोतल पकड़ा दी, इसीलिए किसका चुनाव करोगे? कोई साड़ी थम आ गया हाथ में तो चुन लोगे? जब आप चुनाव करते हो तो आप ये नहीं देखते कि ये मेरा लग्गू भग्गू है, आप देखते हो कि इसमें रामत्व है कि नहीं, सदगुण है कि नहीं, पर दुख कातरता है कि नहीं। ये अपने से ऊपर उठकर समाज के लिए सेवा में तत्पर होने की इसके अंदर भावना है कि नहीं, तभी चुनाव करते हो ना। मेरी जाति में अगर पैदा हुआ रावण तो मैंने नहीं पूजा, हर साल उसका पुतला जलाया, भले ही मेरी जाति में पैदा हुआ हो। अगर मेरी जाति में जन्मा कोई कंस है तो मैं उसका अनुगामी नहीं बन सकता। ये दृष्टि रही भारतीयों की, दृष्टि यही दृष्टि है। भगवान किसके पक्ष में खड़े होंगे, किसके पक्ष में खड़े होंगे? और कदाचित कोई भी सज्जन पुरुष किसके पक्ष में खड़ा होगा, बताओ देवियों आप किसके पक्ष में खड़े होंगी? किसी अत्याचारी, किसी अन्यायी के पक्ष में आप खड़े हो सकती हैं क्या? जीवन के अंदर भी जब पक्ष और विपक्ष होते हैं, मेरी चित्त में, मेरी मन में जब उद्वेलन चलता है तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि मैं किस विचार का पक्षधर बनूं। महाभारत बाहर नहीं लड़ा गया, महाभारत बाहर लड़ा गया था, किंतु महाभारत तो निरंतर हमारे चित्त में चलता है, हर पल चलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पवित्र कथा हमें दर्शन कराती है। बहुत बार हमारे पास बुद्धि का अतिरेक होता है, शब्द होते हैं, बहुत दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन हमारे जीवन में रस नहीं होता। आपके पास धन है, प्रतिष्ठा है, जय जयकार है, लोग आपको जानते हैं, बड़ी आपको सम्मान मिलता है, पर आप रसहीन हैं। ये कैसा है जीवन, ऐसा क्यों है जीवन, रसहीन क्यों है जीवन? कभी आपने टटोला अपने आप को? बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ हम दिल से हंस नहीं पाते, तो मैंने कहा क्यों नहीं हंस पाते? बोले पता नहीं क्या हो गया, हमें हंसी नहीं आती अंदर से, थोड़ा लोगों को देख के मुस्कुरा देते हैं, अंदर से सब चुप्पी सदी है, ऐसा क्यों? तो मैं कभी कभी विनोद करती हूँ कि कभी तुमने गधे को हंसते देखा? गधा अगर हंसने की कोशिश कर रहा हो तो समझ लो मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर मनुष्य चुपचाप बैठा तो समझ लो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। प्रसन्नता उनके आसपास नृत्य करती है जो अपने अंदर से हल्के होते हैं, इच्छाओं के बोझ से दबे हुए, तृष्णाओं की प्यास से तड़पते हुए और अपने अहंकार के पोषण में लगे हुए लोगों के आसपास आनंद। बोलो ना देवियों, आपका तो मूड जरा सी बात पे ऑफ हो जाता है। सबने अपने मूड की चाबी किसी और के हाथ में थमाई हुई है, जब चाहे कोई आपको ऑफ कर देता है और जब चाहे कोई आपको ऑन कर देता है। आप रेडियो हो क्या, क्या हो आप? 200 चैनलों का वो बुद्धू बक्से जैसा टीवी हो क्या आप? आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसको दिया है, कभी विचार किया? किसी दूसरों के ऊपर मोहताज होकर जीना, जीना नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि अगर उदास लोग बैठे हों और आपकी उपस्थिति हो जाए तो चारों तरफ आनंद की वर्षा हो जाए। आप बुझे हृदयों के दीप जला दो, आप निराशाओं की आशाएं बांध दो, आप चित्त में चेतना जागृत कर दो, आपकी उपस्थिति बोझिल हृदयों को हल्का फुल्का कर दे। जीवन तो ऐसा होना चाहिए ना, बोलो ना। लेकिन अगर अपेक्षाओं से भरी हो, अगर आशाओं से भरी हो, अगर दूसरों के साथ तुलना में लगी हो,
तब फिर प्रसन्नता पास नहीं आएगी। और स्मरण रखिएगा, प्रसन्नता कभी वस्तुओं, पदार्थों और प्रतिष्ठाओं के कारण नहीं मिलती। मैंने तो प्रतिष्ठित लोगों को और ज्यादा परेशान देखा। सब्सक्राइब करें साध्वी रतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।